तो यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस से, और ये हम लोग आ चुके हैं गो अगेन वाले मैप से। बहुत अच्छा वर्ल्ड डाउनलोड होते हैं, और ऊपर में आपको बहुत सारा ऐप्स दिख रहा होगा, उसको प्लीज़ इग्नोर मार दीजिए। आई डोंट नो दैट कि हम कहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हमको अपना घर का रास्ता पता है। हम अपने वर्ल्ड में यहाँ स्पॉन हुए थे, उधर ही डायमंड का घर भी है, लेकिन हम उसको लीव कर रहे हैं क्योंकि इससे भी अच्छा घर हम बनाए वहाँ पर। तो थोड़ा हम लोग आगे चल के हैं, अगर हमको घर ढूंढना है ना तो एक और काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर आते हैं, आइए वंडर लेते हैं एंड इधर मेरा घर जाता है। देख लो मेरा घर आइए एंडर, जहाँ पर एंड पोर्टल है ना उसी के पास में पड़ता है। लेकिन ये हम लोग डेजर्ट टेम्पल थोड़ा सा एक्सप्लोर करके जाते हैं क्योंकि लूट क्या मिलता है। और वैसे भी हम सर्वाइवल सीरीज तो शुरू तो किए नहीं है। आई थिंक दैट कि बेकार था, हम देख लेते। एक मिनट, उधर है ना? हाँ उधर ही है। चलो मिलते हैं। भाई साहब विलेज मिल गया, ये विलेज हम देख चुके हैं पहली बार। तो अभी देखना अगर हम और जाएंगे ना, सबसे पहले डेजर्ट खत्म होगा, फिर स्वाम्प वाला बायोम आएगा, उसके बाद नॉर्मल बायोम आएगा, उसके हाँ नॉर्मल बायोम में मेरा घर है। ये देखो इधर एक तभी एक बार, अब आपको जंगल दिख गया होगा। अब ये जंगल जब पास होगा, एक मिनट हम पीछे देख लेते हैं। हाँ और इधर आपको एक अदृश्य चीज़ दिखेगा, इधर हम बहुत सारा बीकन प्लेस किए थे क्योंकि अब बहुत है ना स्वाम्प आएगा। ये देखो स्वाम्प, अब स्वाम्प के बाद डायरेक्ट आता है मेरा विलेज में मेरा घर। अब हमको कुछ दिक्कत नहीं है, आपको एंडर वहाँ इससे पहले भी तुम बहुत बार आए। गेम लोड हो जाओ प्लीज़। हम यहीं कहीं पर आस पास में विदर फाइट किए थे। हाँ वो देखो, और जो आपका रूम दिखना ना, वो विदर फाइट का रूम है, उस पर एक बीकन भी है। बेडरॉक से बना है वो। अब ये स्वाम्प वाली जगह ख़त्म हो चुका है, एंड फाइनली आपको एक गांव दिख रहा होगा, वही गांव मेरा घर है। आपको अब वहाँ एक और चीज़ दिख रहा होगा ऊपर में, वो मेरा पांडा लोगों के लिए घर बनाया है। अब आपको थोड़ा देर में रेंडर होगा मेरा घर। अब आपको मेरा एंड पोर्टल एंड वाला घर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा येलो कैसल। क्या? हाँ येलो एंडिंग कैसल, कैसल कैसल। और आपको एक बैम्बू फार्म दिखाते जो इतना ऑटोमेटिक है, भाई तुम हंस पड़ोगे। हमको बस यहाँ के लेबर दबाना है तो सारा काम होगा। और ये शल देखो, वहाँ से बैम्बू कट की हॉपर के ज़रिए, ये शल्कर के ज़रिए, इस डिस्पेंसर के ज़रिए यहाँ पर एक वाटर है सुल सेंट के साथ जो ऐसे जाएगा, फिर एक वाटर का सप्लाई जो ऐसे आके यहाँ पर गिरेगा, और यहाँ पर एक और सप्लाई हॉपर से वो यहाँ पर आता, लेकिन और यहाँ पर बैम्बू आता है, लेकिन इसमें आधा क्यों है? अच्छा अभी भी फिल हो रहा है, हम कल रात को इसको खेले थे इसलिए। और ये मेरा येलो एंडिंग कैसल टूट गया, एक बदमाश क्रीपर ने तोड़ दिया, और वहाँ पर हम बहुत सारे विलेजर्स रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। वहाँ पर उनका वर्क स्टेशन, ब्रेड सबका सिस्टम है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं सब कहाँ चलेगा। और इसी के ऊपर मेरे को सारा पावर मिलता है बीकन्स का, वो भी आपको भी दिखा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, ये देखिए इधर इतना सारा बीकन प्लेस है, 9 बीकन्स है यहाँ पर, और सबका कलर येलो है क्योंकि येलो एंडिंग कैसल। और यहाँ पर हम कलर चेंजिंग बीकन लगाए थे,
जो काम करता था लेकिन हम हटा दिए क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा लैग करता था। और पीछे में एक कुछ बेकार सा चीज़ है, उसको इग्नोर कर दो। और हाल ही में हम एक और कुछ मशीन बनाए थे, अरे वो छोड़ दो, वो नहीं दिखाएंगे। और आपको चलते हैं एंड में लेके। और अगर आपको ऐसी सीरीज चाहिए क्रिएटिव मस्ती, तो हिट दैट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो हम पक्का सर्वाइवल सीरीज शुरू कर देंगे इसी वर्ल्ड में। आपको दिख रहा होगा मैं एंड के अंदर पहुंच चुके हैं, देखिए सीधा ये एंड के अंदर। लेकिन हमको एक एंडर ड्रैगन मारने में बहुत दिन मतलब आधा घंटा तो लग जाता है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखते जाओ तेरह चौदह पंद्रह 15 फ्रिकिंग एंडर ड्रैगन किल्स। और यहाँ पर एक फुल्ली और बेटा मिनट पावर तो कंज्यूम, अच्छा आ रहे हैं धुआं। जब यहाँ पर ये रूम खोद करके ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब एंडर ड्रैगन समन होगा तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको ये तो करना कि यहाँ ये एंडर जाते कहाँ, कहीं नहीं जाता, वेस्ट। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पागल चीज की बेड वाला सिस्टम लगा के अब हम नॉर्मली एंड ड्रैगन को नहीं मार पाते हैं, बेड वाले सिस्टम के वजह से। और मेरे पास 64 नहीं 8 एंड ड्रैगन्स एग है, तो आप सोचेंगे इतना एग, हाँ भाई है। इलेक्ट्रा तो बहुत है मेरे पास। और बस और एक बार आपको एंड ये जो एंडिंग छोड़ के बोला एंड शेप दिखाते हैं, बहुत अच्छा है। व्हाट द फक, व्हाई व्हाई समन देयर, समन देयर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा दिन के लिए यहीं रुकते हैं, वो डायमंड वाला हाउस है ना, मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है माई हाउस वॉज ट्रोकन, ये वही मोड है लेकिन इसका कोई पैटर्न चेंज किया गया है इस वर्ल्ड को, ये वही वर्ल्ड है। अब थोड़ा दिन के लिए हम लोग यहीं रहेंगे, लेकिन हमको भूलना नहीं है कि ये मेरा घर यहाँ इस वर्ल्ड में है। लेकिन हम एंटर ड्रैगन फाइट के लिए जाते हैं तो हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहीं पर ही स्पॉन पॉइंट सेट कर देंगे। और आज के दोस्त रहें, हम चाहते हैं आपको इलेक्ट्रा उड़ाना दिखाते हैं और आपको ट्यूटोरियल भी दिखाते हैं, एक बार बताते हैं ना। सबसे पहले आपको अगर क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम फ़ोन वालों के लिए बताएंगे, फिर हम बताएंगे नॉर्मल जो उस पर खेलते क्या बोलते हैं पीसी पे, हाँ उन लोगों के लिए सबसे पहले बताते हैं। पीसी के लिए आपको यहाँ पर आना है और डबल स्पेस और राइट क्लिक, और फ़ोन वालों के लिए भी कुछ अलग है लेकिन हार्ड है। फ़ोन वालों के लिए ऊपर से उड़ना बहुत हार्ड है। वेट 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 अ मिनट प्लीज प्लीज, सब दो घर है विलेज में, उनको हाउस दिखाए विलेज भाई, क्या बात है बताना। और सो टाइम क्या हो रहा ये भाई बता देना, भाई बेच रहा है कुछ भैया। तुम अकेले कैसे रहता है और सो कैसे रहा है तुम अभी भाई, आदमी बेकार है, निकल लो। देखो जो पीसी पे खेलते हैं
माइनक्राफ्ट वो लोग आराम से यहाँ से उड़ सकते हैं। एक बार सर्वाइवल में चलते हैं, डिफॉल्ट में क्यों चलेगा, क्या कर रहे हैं। अरे यार हाँ, जो पीसी पे खेलते हैं उनके लिए एक ब्लॉक से उड़ना इजी होता है जैसे कि हम किए, लेकिन जो फ़ोन पे खेलते हैं उन लोगों के लिए हार्ड होता है। लेकिन हम भी फ़ोन पे खेलते हैं पहली बात, और हम इलेक्ट्रा कम से कम दो महीना चला रहे हैं इसलिए हमको नॉलेज हो चुका है। एक बार थर्ड पर्सन में भी दिखा देते हैं कि हम उड़े हैं, लेकिन अगर फ़ोन वाले थर्ड पर्सन पे खेलते तो उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज होता है। ये पीसी वाले लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन वालों के लिए थोड़ा सा ऊपर वाला हाई पेस्ट नहीं होता जैसे कि हम अभी ले रहे हैं। हाई प्लेस फ्रिकल। और अगर फोन वाले खेल रहे हैं तो उनको कम से कम 6 से 7 प्लेस पे जाना पड़ेगा ऊपर, और तब वो आराम से ऐसे आराम से उड़ा सकते हैं। तो देखो हम बहुत दिन से इलेक्ट्रा उड़ा रहे तो मेरे लिए इजी है, अब भी बहुत दिन हो तो एक ब्लॉक से भी उड़ा सकते हो, तो हाँ छोड़ सकते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हम उम्मीद है कि वीडियो उसमें तब तक के लिए बाय बाय, दी एंड दी गुड बाय।